करते हैं। वर्ष 1975 में आज ही के दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देहांत हुआ था। उन्हें भारत के बड़े दार्शनिक यानी फिलोसफर्स में गिना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि देश के बेस्ट माइंड्स यानी सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को शिक्षक बनना चाहिए। उनकी इस बात पर अमल करने की जरूरत आज भी महसूस होती है। आज ही के दिन वर्ष 1790 में वैज्ञानिक, लेखक, राजनेता और अमेरिका के निर्माताओं में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का निधन हुआ था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये सिद्ध किया था कि मेघ विद्युत यानी लाइटनिंग भी बिजली ही होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तूफान में पतंग उड़ाकर इस सिद्धांत को साबित करने का प्रस्ताव प्रकाशित किया था। इस प्रयोग को काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह भारतीय रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है, ठीक उसी तरह अमेरिकी डॉलर के नोट पर भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर छपी होती है। हर वर्ष आज के दिन को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। हेमोफीलिया बीमारी आमतौर पर जन्मजात होती है और कई बार ये एक ही परिवार में कई लोगों को भी होती है। दुनिया भर में फिलहाल 69 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हेमोफीलिया बीमारी होने पर मरीज को लगातार खून का रिसाव होता है और चोट लगने या सर्जरी के बाद घाव लंबे समय तक ठीक नहीं होता। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि दुनिया में हेमोफीलिया से पीड़ित 75% ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बीमारी के बारे में जानकारी ही नहीं है और ऐसे में उन्हें सही इलाज कभी मिल ही नहीं पाता। कोलंबिया के मशहूर उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरीज लिखने वाले दिग्गज लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का निधन आज ही के दिन वर्ष 2014 में हुआ था। मार्क्वेज ने ही मैजिक रियलिज्म की नींव रखी जिसमें हकीकत की बातों को फैंटेसी के साथ मिलाकर पेश किया जाता है। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड और लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा उनके मशहूर उपन्यास है। और वर्ष 1964 में आज ही के दिन पहली बार किसी महिला ने अकेले हवाई जहाज के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। 29 दिन 11 घंटे और 59 मिनट की इस यात्रा में अमेरिका की जेरी मॉक ने करीब 37,180 किलोमीटर का सफर अकेले तय किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार की अदृश्य हिंसा है, इस हिंसा का शिकार मत बनिए। हर कीमत पर इसे रोकने की कोशिश कीजिए।